जय जवान जय किसान। राइट नहीं तो वोट नहीं, राइट नहीं तो वोट नहीं, राइट नहीं तो वोट नहीं, राइट नहीं तो वोट नहीं। आज ये गोपीपुर लोहरवास भरड़ दिलोदरी बनाखेड़ी छतगांव चोसला सभी गांव के लोग आए हैं। इन भी गांव के लाइट इस ग्रिड से चलती है, पीछे जो दिख रहा है। आज से करीब 6-7 दिन पहले हम लोगों ने डी साहब को और सुपरवाइजर साहब को और सी साहब को तीनों को अवगत करा था कि गांव की लाइट जो 10 घंटे सिंचाई पंप चलना चाहिए वो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे ही चल पा रहा। तो मेरे ख्याल से उसी दिन उनको मालूम पड़ा होगा कि ये समस्या है। आज 7 दिन हो गए हैं, कोई निराकरण ये लोग कर नहीं पाए हैं। और आज भी जब हम लोग इकट्ठे होते हैं इनके पास शिकायत लेके जाते हैं ऑफिस में, तो ये पेपर पे कुछ कैलकुलेशन है, पहले दिन सारा मेगा करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। सभी लोग परेशान हो गए और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज 3 बजे रात से, और आज 3 बजे रात से जब रात की लाइट नहीं चली तो रात से ये यहाँ पे हैं सभी। और ऐसा लग रहा है, अब सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब तक भीड़ या कुछ गलत काम नहीं किए जाएंगे तब तक बिजली विभाग और प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं, लाइट तो घर नहीं जाएंगे। अब सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक ये लाइट ठीक नहीं हो जाती है हम यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही सोएंगे। अब आज देखो साहब, अब ये तो गरीब गुरी का काम है, लाइट चल नहीं रही, अन्न है नहीं, देखते हैं क्या इकट्ठा हो जाता है। दान पुण्य में जो होगा वो करेंगे। और सभी लोगों को ये लग रहा है कि जब तक गलत काम या भीड़ इकट्ठी होके कुछ गलत नहीं करेगी तब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी, ये भरोसा हम लोगों को हो चुका है। तो प्रशासन क्या चाहता है हमें बता दें, हम वो कर दें, हमें तो लाइट चाहिए। या फिर हम सभी 7-8 गाँव के लोग सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन इस चीज को नहीं ले रहा है, लेकिन समझ लें कि हम करेंगे, क्योंकि पेट से बड़ी कोई चीज नहीं होती और ये लाइट हमारा पेट है, ये नहीं चलेगी तो हमारा कुछ नहीं होगा। और बिजली विभाग के कर्मचारी या तो अपनी अक्षमता सिद्ध कर दे तो हम भोपाल जाएं कि हमारे यहाँ के कर्मचारी ये समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, कौन करेगा। आज से 8 दिन पहले इन्होंने वादा किया था कि वो छतगांव के तार भी आ जाएंगे और ये जो पुराने तार टूट रहे हैं जो 1982 में लगे थे और लगे थे, तब से हमारे इस ग्रिड के आसपास के तार चेंज नहीं हुए हैं। सर ने बोला था कि ये आ रही है गाड़ी, हो जाएंगे। 7 दिन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। 15 दिन का हमारा सीजन है, क्या करने वाले हैं ये? ताला लगाना ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रशासन फंसा देगा कि हमने ताला लगा दिया। हम तो यहाँ आके इकट्ठे हो गए और गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।